कार खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज दिसंबर की 22 तारीख है और दिन है गुरुवार। आज जो सरसों में कल आपको एक अच्छी तेजी दिखाई दी, आज उस पर ब्रेक लगा है। हालांकि गिरावट नहीं है, लेकिन बाजार स्टेबल हो गया है। कॉटन बाजार भी अब स्थिर है और सरसों और ग्वार के अंदर हल्का सा और सुधार होता हुआ दिख रहा है और आगे भी दिख सकता है। विस्तार से चर्चा करें उससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। हमारा जो दैनिक डेली बुलेटिन समाचार पत्र है उसको नए साल से कुछ इम्प्रूव करने का कार्यक्रम चल रहा है और ये भी संभव है कि उसके जो सदस्यता शुल्क है उसमें भी कुछ बढ़ोतरी हो सकती है। अभी जो एडिटोरियल बोर्ड है और मार्केटिंग बोर्ड है उसकी मीटिंग अभी नहीं हो पाई है, उसके बाद ही इस पर फैसला होगा। लेकिन आपसे विनम्र निवेदन कि अभी जो छूट चल रही है उसका लाभ उठा करके आप इसकी सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। सरसों बाजार में कल 100 से 150 रुपये तक की तेजी दिखाई दी थी और मैं पिछले 20-22 दिन से ये निवेदन कर रहा हूँ कि सरसों के अंदर अब तेजी नहीं है। लेकिन कल थोड़ा सा बाजार सुधरते ही और ऐसे लगने लगा कि बाजार अभी पता नहीं कहाँ पहुंच जाएगा। मैंने ये भी निवेदन किया था कि सरसों में तेजी आप उस दिन मानिए जिस दिन आप जयपुर 42% का भाव 7,000 से आगे निकल जाए, और 7,000 आगे निकलना तो क्या ये 6,750 रुपये का स्तर ही तोड़ने को तैयार नहीं है। हालांकि अब सरसों का स्टॉक काफी कम रह गया है और आवक भी स्टेबल सी हो गई है, लेकिन अगर आ जाए तो 100 से 150 रुपये का या अधिकतम 200 रुपये का उछाल एक एक दिन किसी भी दिन आ सकता है। लेकिन ये यकीनन नहीं है कि सरसों में इतनी तेजी आएगी ही आएगी, लेकिन सरसों में अब गिरावट की आशंका बनेगी। हालांकि अभी एकदम से गिरावट नहीं आएगी, बाजार धीरे धीरे थोड़ा डाउन जाएगा लेकिन उसमें भी थोड़ा समय लगेगा। अभी कुछ दिन और बाजार इसी सीमित दायरे के अंदर आपको कारोबार करता हुआ दिखाई दे सकता है। और बार बार निवेदन कर चुका हूं कि सरसों में अब और तेजी नहीं है, तो कृपया अपना कारोबार, अपना व्यापार या अपना जो खरीद बेच का जो काम है आप अपने विवेक से अवश्य संपन्न करें। सरसों में उत्पादन कितना होगा, सरसों का रकबा कितना है, सरसों में बिजाई कैसी है और सरसों की फसल कैसी है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे संडे के रविवार के स्पेशल वीडियो के अंदर। कॉटन में नरमा कपास का बाजार एक बार फिर स्टेबल है। कल थोड़ा सा सुधार हुआ था, बाजार लगभग वहीं पे खड़ा है और कोई बड़ा परिवर्तन किसी भी मंडी के अंदर दिखाई नहीं दिया है। हाँ, गुजरात की कुछ मंडियों के अंदर भाव में हल्का सा सुधार हुआ है। हालांकि अराइवल जो है वहां निरंतर 38 से 40 हजार गांठों की बनी हुई है। देश भर के अंदर जो इसकी आवक हो रही है नरमा कपास की, वो हो रही है मात्र 1 लाख गांठों, 1 लाख गांठ। उसमें कभी 5,000 घट जाती हैं, कभी 2,000 बढ़ जाती हैं, तो आवकें नहीं बढ़ रही हैं। और बार बार ये कहा जा रहा है कि किसान फसल को रोक रहा है, मैं इससे अधिक सहमत नहीं हूँ। हो सकता है कि कुछ किसान रोकने की क्षमता में हैं और कुछ किसान नहीं रोकने की क्षमता में हैं। जो रोकने की क्षमता में हैं, हो सकता है उन्हें लगता है कि बाजार काफ़ी तेज हो सकता है और वो रोक रहे हों, लेकिन मुझे लगता है कि ये सारा सारा जो आवक कमज़ोर होने का कारण है, इसके पीछे बड़ा कारण है फसल के अंदर पोल होना। फसल का उत्पादन काफी घटता हुआ दिखाई दे सकता है, इसकी तस्वीर मैं बार बार निवेदन कर चुका हूं कि 15 जनवरी के बाद इस पर तस्वीर क्लियर हो जाएगी, साफ हो जाएगी। लेकिन बाजार यहां से अभी कुछ मंदे की संभावना तो नहीं है, लेकिन फिलहाल बाजार तेज होता हुआ भी दिखाई नहीं दे रहा है। नए साल के अंदर बाजार कुछ तेज अवश्य होने की उम्मीद है अगर रुई के बाजार के अंदर सुधार हुआ तो। ग्वार में आज जैसे गंगानगर मंडी के अंदर 5,961 रुपये का कारोबार देखने को मिला है, यानी 6,000 को छूने की तैयारी हो रही है। इसी तरह से जो दूसरी मंडियां हैं वहां भी 5,700 से लेकर 5,800 रुपये तक का कारोबार, चाहे वो राजस्थान की मंडियां हो, चाहे वो गुजरात की मंडियां हो या हरियाणा की मंडियां हो, इन सब के अंदर 5,700, 5,600, 5,700 से लेकर 5,900 रुपये तक का कारोबार देखने को मिल रहा है। इसका संकेत ये है कि बाजार जल्दी ही और तेजी की तरफ बढ़ सकता है। इसके पीछे क्या कारण रहते हैं, क्या नहीं रहते हैं, आपको कई बार इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बताए जा चुके हैं, उस पर विस्तार से चर्चा की आवश्यकता नहीं है।
किसी दिन विशेष रूप से ग्वार पर ही एक वीडियो बना करके उस पर फिर से विस्तार से बात कर लेंगे। आज भरतपुर का भाव खुला है कल से कुछ कमजोर 6382 रुपए, कल आपको ध्यान होगा 6411 रुपए का भाव था। जयपुर 6725 पर स्टेबल है, दिल्ली 6650, सरखी दादरी 6550, सलोनी कुछ टूटा है आज 50 रुपए के आसपास, 7250 रुपए भाव है। धौलपुर 6325, खैरथल 6550, हिंडौन 6451, निवई 6400, टोंक मंडी 6380, मेड़ता 6200, गंगापुर 6420, ग्वालियर 6200, नडबई 6382, हिसार 6100, बरवाला 6150 और बीकानेर 5900 सरसों का भाव रहा। एलनाबाद में सरसों का भाव रहा 6301, सिरसा में 6200, गंगानगर में 6355, अबोर मंडी में 5835 और संगरिया में 6090 रुपए। आज एलनाबाद में नरमा बिका है 8430, सिरसा में 8352, गंगानगर में 8631, आदमपुर में 8486, संगरिया में 8446, फतेहाबाद में 8250 और श्री विजयनगर में 8791। देसी कपास आज फतेहाबाद में भाव रहा 9450 रुपए। ग्वार आज एलनाबाद में बिका है 5583, सिरसा में 5576, गंगानगर में 5961, आदमपुर में 5683, अबोहर मंडी में 5300 रुपए और संगरिया में 5465 रुपए। बीकानेर में भाव रहा 5700 रुपए, गुजरात की मोरबी मंडी में 5800 रुपए और गुजरात की ही हलवत मंडी में 5780 रुपए पर आज ग्वार का कारोबार हुआ। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।